नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। क्या कुछ है खास है आज की जानकारी में, इससे हम अवगत कराएंगे। दरअसल मैं लेकर आया हूं खबर एक सरकारी ऐलान का। जी हां, यह ऐलान जुड़ा हुआ है बिहार सरकार से। उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग करने वाली छात्राओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। क्या कुछ खबर है इसमें आपके लिए, क्या फायदा मिलने वाला है आपको इससे, इससे पूरी जानकारी हम आपको देंगे, अवगत कराएंगे कि क्या घोषणाएं हुई हैं, क्या कुछ ऐलान किया है नीतीश कुमार जी ने आपके लिए। दरअसल बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीटें यानी 33% आरक्षित कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इस बाबत उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश पदाधिकारियों को दे दिया है। बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसमें से कुल 9,275 सीटें हैं। वहीं 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों हैं जिनमें कुल मिलाकर 1,125 सीटें हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि यह एक यूनिक चीज होगा, इससे छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर और ज्यादा प्रेरित होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज भी खोले जा चुके हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के बच्चे एवं बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े। दरअसल मुख्यमंत्री के समक्ष एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उक्त घोषणा की। अगले विधानमंडल के सत्र में यह विधेयक पेश भी किया जाएगा। विधानमंडल से पारित कर राज्यपाल की सहमति लेकर राज्य में ये दोनों नए विश्वविद्यालय एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित होने से इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सकेगा, साथ ही कॉलेजों में अध्यापन कार्य को बेहतर ढंग से नियंत्रित भी किया जा सकेगा। सभी कॉलेज इन विश्वविद्यालयों के अधीन होंगे। अभियंत्रण विश्वविद्यालय के अधीन राज्य के सभी इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधीन सभी मेडिकल कॉलेज आएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने द बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बिल से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अधिकार कार्य और इसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित जानकारी लोगों को दी। दरअसल ये सरकारी ऐलान मुख्यमंत्री का 7 निश्चय पार्ट 2 का ही हिस्सा है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 में अभियंत्रण और चिकित्सा विश्वविद्यालय की राज्य में स्थापना करने का जिक्र है। इसकी तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी गई है। दोनों संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को इन विश्वविद्यालय के विधेयक बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा करने वाला, इस तरह का आरक्षण देने वाला जिसमें मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों को, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, वो पहला राज्य होगा बिहार। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में न्यूनतम एक तिहाई सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी। इस तरह महिला सशक्तिकरण के मामले में राज्य देश के समक्ष एक और मिसाल पेश करेगा। इसके पहले प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक नियुक्ति त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, राज्य सरकार की सभी नौकरियों आदि में महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे पहले बिहार में ही दिया गया है। दोस्तों, इस तरह की जानकारी हम अक्सर आपके पास लेकर आते हैं, तो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए या नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।